बीजेपी वाले को बोलने का कोई अधिकार नहीं, जिसने देश को बेचा, जिसने देश को लूटा, जो देश के महात्मा गांधी जैसे लोगों के हत्यारा ये लोग हैं, हत्यारे लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाई वीरेंद्र है, जो कि तेजस्वी यादव से मिलकर अभी अभी निकल रहे हैं। क्या आप भी मंत्री बन रहे हैं? ये तो मैंने कहा कि ये विशेषाधिकार हमारे पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विशेषाधिकार है, और वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं इस पर कोई बहस नहीं है। जब आदेश होगा तो हर कोई तैयार है। लेकिन जब से आप लोगों ने फिर से सत्ता संभाली, लगातार बीजेपी वाले आप लोग पे हमलावर हैं। ये बीजेपी वाले को बोलने का कोई अधिकार नहीं, जिसने देश को बेचा, जिसने देश को लूटा, जो देश के महात्मा गांधी जैसे लोगों के हत्यारा ये लोग हैं, हत्यारे लोग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और न अपने वादे पर खरे उतरे हैं। और 2 करोड़ जो हर साल देने का वादा किया था, 8 साल हो गया, एक भी नौकरी किसी को नहीं दे पाए हैं। लोगों ने किया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और 10 लाख का आप लोग याद दिलाते हैं, बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, 10 लाख तो हम देंगे ही, हमारी सरकार देगी, लेकिन 2 करोड़ के हिसाब से 8 साल हो गया, 16 करोड़ कब दोगे तुम? इसलिए बीजेपी ये सब सवाल करता है तो करके दिखावे कि देश में मैंने 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया। इन्हीं सब चीज़ों पर बातें होती है। मंत्री बन रहे हैं ये तो उनके विवेक पर है, और पार्टी चाहेगी तो मैं बनूंगा। वन टू वन मेरा मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से? नहीं, हमेशा मुलाकात होती रहती है, सब बात नहीं है। नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार का उन पर हम लोगों ने छोड़ दिया है, उस पर हमारी कोई मांग भी नहीं है। मंत्री जिनको बनना है वही पहुंचे थे, वही पहुंचे हुए थे आज थे, और 1-to-1 तेजस्वी यादव ने बात। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग का खबर अलग है, वहाँ खबर अलग है, इसलिए हम लोग आना जाना लगा रहता है। फेर बदल हो गया क्या? अब कोई फेर बदल की बात नहीं है, जैसे कहने का मतलब है कि जो हम लोग आते रहे हैं, ये हम लोग का घर है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार का घर है ये, और हर व्यक्ति जो समर्थक है, विधायक है, पूर्व विधायक है, सब लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उसी में हम लोग आए हैं। बालू को लेकर अब सवाल उठाते रहे हैं तो... हम किस चीज़ पर सवाल नहीं उठाते रहे हैं, हम सब चीज़ पर सवाल उठाते रहे हैं, और समय ना आने दीजिए, सब पर काम होगा, और हम लोग काम करके, हम और हमारे महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सब जमीन पर दिखाई देंगे काम करते हुए। नीतीश जी पर भी काम करेंगे आप, इसलिए कि आप उन पर भी सवाल उठाते रहे हैं? देखिए, सवाल वो बात नहीं है, नीतियों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। अब हम लोग एक साथ जब एक नीति पर हो गए हैं तो सवाल नहीं उठता है। नीतीश जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आज हम लोगों ने महागठबंधन के वो नेता हैं, इसलिए उन पर सवाल करने का कहाँ सवाल उठता है। जब वो अलग थे तो हमारे नीतियों के खिलाफ में थे तो हम उनके खिलाफ में सवाल करते थे, लेकिन परेशान है कि वो अपने आप टारगेट किया जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए वो अपने आप जल के खत्म भस्म हो जाएगा, अपने आप अपने नीतियों से भस्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी देश का ये बहुत खतरा है, और खतरा हर आदमी चाहता है कि खतरा खत्म हो जाए, उसका सफाया हो जाए। थैंक यू।